हम भोंडसी थाना के बाहर मौजूद हैं, जहां पर दो जेसीबी को सीज किया गया है और अवैध रूप से जो खनन का काम चल रहा था उस पर जो एक कहे समूह है उस पर 2 लाख का जो है जुर्माना लगाया गया है। पूरा मामला आपको बता दें कि रिठौज गांव में जहां पर अवैध रूप से माइनिंग का काम किया जा रहा था उसी समय 112 पर बीटी पहुंची और बीटी पहुंचते ही भोंडसी थाने के यहां पे अधिकारी थे वो सब रिठौज गांव पहुंचे और तुरंत ही माइनिंग का काम रुकवाया गया, खनन का काम रुकवाया गया। उसके बाद जो जेसीबी है दोनों जेसीबियों को सीज कर दिया गया है, साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना दिया गया है। सुनिए अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। ये मिट्टी की चोरी का मामला है। कितनी मिट्टी चोरी की गई सर? मिट्टी जो है ना ये अपना रिठौज गांव से मिट्टी उठा रहे थे जी। हाँ तो कितने खिलाफ मामला दर्ज हुआ जी? ये 2 के मामला दर्ज नहीं, इनको सीज किया है जेसीबी मशीन का। कितनी जेसीबी सीज की है सर? 2 सीज किए हैं। आगे कार्रवाई क्या सर आपकी? आगे इन पे ये इनवॉइस वगैरह देंगे अपनी, इनकी पेनल्टी जो भी बनेगी ना वो अपने इनवॉइस के आधार पे होती है, गाड़ी की कीमत पे होती है। जैसे गाड़ी कीमत 22 लाख है कितनी तो 22 लाख है तो 2 लाख की कैटेगरी में कंपनसेशन आएगा, बाकी जो पेनल्टी है 10,000 और जो अपना जो उन्होंने मिट्टी खुदाई का जो अपना पैमाइश बैठेगी वो अपना। तुरंत जिस तरह जो भोंडसी थाना है उसने कार्रवाई की है उससे एक सीख दी जा रही है कि आगे कोई भी इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करे और जो भी इस तरह अवैध रूप से खनन का काम करेगा उन पर तुरंत रूप से कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ गुरुग्राम प्लस भी आपसे यही कहता है कि यही अपील करता है कि इस तरह अगर अवैध रूप से किसी भी काम की आपको कोई जो है भनक पड़ती है तो तुरंत की तुरंत उनकी FIR कराएं या उनकी जानकारी जो है प्रशासन तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि हमारी ये खबर गुरुग्राम वासियों तक पहुंचनी ज़रूरी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ के साथ गुरुग्राम प्लस से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपके साथ सोनी तहलान।